वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करते हैं कि एक सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि क्या फैक्टर है, क्या कोई सॉलिड जो मेरा सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होता है एक लिक्विड सॉल्वेंट में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि मेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस के बारे में, मगर पर्टिकुलर केस के हमें देखे थे कि हम लोग वहां पर देखे थे लिक्विड सॉल्यूशन देखे थे, साथ ही साथ हम लोग गैसेस सॉल्यूशन देखे थे, और हम लोग साथ ही साथ क्या देखे थे सॉलिड सॉल्यूशन देखे थे, और पर्टिकुलर तुम केस इसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग एग्जांपल भी देखे थे। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हर पॉइंट को तो हम लोग देखेंगे नहीं, जो तुम्हारे सिलेबस पर जो पॉइंट पढ़ा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास सॉलिड एंड सॉलिड में बात किए थे हम लोग, यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में बात किए थे, यहाँ लिक्विड एंड लिक्विड के बारे में बात किए थे, यहाँ गैस और यहाँ लिक्विड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसी पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या किए थे, सॉलिड गैस लिक्विड गैस एंड गैस गैस के बारे में बात किए थे। मगर इस केस में हम लोग क्या करना, कुछ पॉइंट है कुछ टॉपिक अलग से हमको इसके डिटेल्स में हम लोग को इसमें जाना है और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का होने वाला है वो क्या है कि सोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। मतलब अब हम लोग पर्टिकुलर केस पढ़ रहे हैं वो क्या कि मेरा जो सॉल्वेंट है वो किस फेज में रहने वाला है, वो मेरा लिक्विड फेज में रहने वाला है, और मेरा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट किस फेज में रहने वाला है, मेरा सॉलिड में रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देखना एक पर्टिकुलर केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि सॉलिड स्टेट में मेरा सॉल्यूट है और लिक्विड स्टेट में मेरा कौन, मेरे पास सॉल्वेंट है। चलो, तो पहले इसका फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम बात बताओ सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, हम लोग पहले इस पे बात करेंगे। तो ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। अभी यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी का जो केस हम बात कर रहे हैं ना वो किसके पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर गैस के बारे में हम अलग से बात करेंगे कि गैस कैसे डिसॉल्व होता है लिक्विड में, वो पर्टिकुलर अलग कंडीशंस है। मगर यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी का जो मीनिंग है वो क्या बता रहे हैं, वो सॉलिड किसके पीछे बता रहे हैं, लिक्विड में जो डिसॉल्व होने का जो सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सॉल्युबिलिटी क्या है, पहले ये क्वेश्चन अराइज होगा सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इसको बोलेंगे, ध्यान रखना मान लो एक सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक सॉल्यूट जो है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास, मान लो इस कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट रख दिया। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या रखा, क्या रखा मेरे पास सॉल्वेंट, मैं नीचे लिख दे रहा हूं उसको, क्या रखा मेरे पास सॉल्वेंट। ओके, इसमें मैंने सॉल्वेंट रखा। अब तुम बात बताओ अगर तुम इसमें सॉल्वेंट रख रहे हो, ठीक है, मान लो अब डिपेंड करता है कि कौन सा सॉलिड तुम लिए हो, उसका नेचर क्या है, वो तो हम अलग फैक्ट देखेंगे, मगर अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फिर अगर बात करें एक कंटेनर में हमने क्या रखा सॉल्वेंट रखा, और इस सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के ऊपर से कुछ ना कुछ तो ऐड करोगे, वो ऐड कर क्या होगा सॉल्यूट होगा, या क्या एडिशन कर रहे हो सॉल्यूट कर रहे हो। अब ये सॉल्यूट जो है वो किस स्टेट में है, ये मेरा सॉलिड स्टेट में है, और ये किस स्टेट में है, ये मेरा लिक्विड स्टेट में है। तो तुम खुद बोलो कि इसमें अगर मान लो ये सॉल्यूट जब इसमें जाएगा तो वो डिसॉल्व होगा, चलो डिसॉल्व होगा, मान लो कि हम 10 ग्राम हम लिए 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिए, 10 ग्राम तुम सॉल्यूट लिए। ओके, अब तुम 10 ग्राम सॉल्यूट ले रहे हो, मगर डिपेंड करता है हमने सॉल्वेंट कितने अमाउंट में रखा है, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है लेट करो कि मेरा 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मैंने लिया। ओके, अब देखो ये 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तुम लिए, वो 10 ग्राम तुम सॉल्वेंट इसमें डाल दिए और उसको अच्छे से एजिटेट कर दिए। जब जैसे एजिटेट किए तो ये देखा गया कि ये अमाउंट, मतलब 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ क्या सॉल्वेंट। अब ये जैसे देखे पूरा का पूरा सॉलिड 10 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो चुका है, मतलब 10 ग्राम वेट का जो मेरा मोल्स था वो पार्टिकल्स थे सॉल्यूट का वो डिसॉल्व हो गए हैं। वो अब तुमको नेक आई से दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा बात कर रहे हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन। ओके, अब ये बात बताओ 10 ग्राम डिसॉल्व हो गया, फिर हम क्या किए और 10 ग्राम फिर डिसॉल्व किए, 10 ग्राम ऑफ सॉलिड फिर क्या किए एडिट किए। ठीक है, अब 10 ग्राम फिर जैसे तुम इसमें ऐड कर दिए, अब ऐड करने के बाद पता क्या चला कि देखिए टोटल अमाउंट जो मेरा 20 ग्राम, मेरा 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या हो चुका है, ये डिसॉल्व हो चुका है। अब तुम बात बताओ अब 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम में, सॉल्वेंट में 200 ग्राम में, 200 ग्राम में मेरा क्या हुआ है वो डिसॉल्व हो गया। चलो ठीक है,
फिर हम क्या किए, हम क्या किए 5 ग्राम और डाल दिए या 10 ग्राम फिर डाले, ठीक है 10 ग्राम ऑफ सॉलिड फिर क्या किए फिर ऐड किए। जब 10 ग्राम सॉलिड फिर तुम ऐड करोगे तो देखा गया कि 10 ग्राम का 10 ग्राम अब वो क्या हो रहा है डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब मेरा बोलेंगे टोटल डिसॉल्व जो है ये टोटल अगर डिसॉल्व बात कर रहे हो तो टोटल डिसॉल्व कितना ले रहे हो, टोटल डिसॉल्व हो गया 20 ग्राम ऑफ, चलो इसको हम 5 करते हैं, ओके 5 ग्राम करते हैं। मैं इसमें क्या किया, पहले 10 ग्राम मैंने डाला फिर 10 ग्राम डाला, देखिए 20 ग्राम 200 ग्राम में डिसॉल्व हो चुका है सॉल्वेंट में, फिर मैंने अलग से 5 ग्राम डाला, जब 5 ग्राम जैसे डाले तो देख रहे कि वो क्या हुआ, वो सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुआ, वो 5 ग्राम जैसे सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर गया वैसे क्या देख रहे नीचे में वो सेटल डाउन हो गया, मतलब वो क्या हुआ पीपीटी फॉर्म में हो गया, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो गया, या बोलिए सॉल्युबल नहीं हुआ, ऐसे बोल सकते हो, ओके। तो 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, वो टोटल डिसॉल्व हो गया। अच्छा टोटल अगर बात करेंगे, टोटल अनडिसॉल्व बात करेंगे, अनडिसॉल्व कितना हुआ, टोटल अनडिसॉल्व हो गया 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो तुम क्या बोले, तुम क्या बोले कि 5 ग्राम का अनडिसॉल्व फॉर्म में है, ओके चलो ठीक है 5 ग्राम मेरा अनडिसॉल्व फॉर्म में बना दे रहा हूं यहां पर, ये जो तुम्हारा 5 ग्राम अनडिसॉल्व फॉर्म में है, ओके। अब ये 5 ग्राम तुम्हारा अनडिसॉल्व फॉर्म में है, मतलब चार्ज सेटल डाउन हो गया सॉल्वेंट में, अब क्या जनरेट हो गया, ये सॉल्यूशन बन गया। जब ये सॉल्यूशन बन गया तो तुम क्या बोलोगे, सर सर अब इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी 200 ग्राम है, सिर्फ और सिर्फ कितना 20 ग्राम की कैपेसिटी है इसका। तो सॉल्युबिलिटी क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट का ये बताता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी भी सॉल्वेंट के 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, एट टेम्परेचर फिक्स रखना, टेम्परेचर फिक्स रखना, जिस टेम्परेचर पर तुम सॉल्वेबल कर रहे हो उसी टेम्परेचर पर उसका सॉल्युबिलिटी निकलेगा। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे हो सकता है उसके सॉल्युबिलिटी में क्या हो, प्रॉब्लम आ जाए, उसका दिक्कत हो जाए, मतलब सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा, ओके। तो फिलहाल हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि टोटल मेरा डिसॉल्व हो गया इतना 20 ग्राम, अनडिसॉल्व इतना है। तो एक काम करते हैं, एक बात कैलकुलेट करते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी क्या बताता है, तुम क्या देखे 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मेरे पास मेरा 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, ठीक है 20 ग्राम क्या हो गया डिसॉल्व हो गया, तो तुम कितना में निकालोगे 100 ग्राम में, 100 ग्राम अगर तुम सॉल्वेंट में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना निकलेगा सॉल्यूट, कितना डिसॉल्व होगा 20 × 100/200, यहां से काट दो एक बचा है कितना 10, तो तुम क्या बोल दोगे 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, मतलब हम ये बोल सकते हैं कितने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो तुम क्या समझे, ये हम लोग समझे कि किसी भी मेरे सॉल्यूशन में अगर तुम देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है डिसॉल्व होता है, मगर कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिसॉल्व है मगर कुछ जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्युबिलिटी ही उतना हो, डिपेंड करता है। मैक्सिमम केस में तुम एक बात ध्यान रखना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तुम ये चेक करो कि मेरे पास अगर तुम एक लीड करो, मैं बताता हूँ यहाँ पर समझो थोड़ा सी एक बार, अगर मैं 10 ग्राम के बेसिस पर अगर मैं बोलूँ कि सर 200 ग्राम में 10 ग्राम डिसॉल्व हो गया तो 100 में कितना होगा, 100 में 5 ग्राम, क्या ये 5 ग्राम सॉल्वर क्या ये इसका सॉल्युबिलिटी कराएगा, नहीं, क्योंकि अभी सॉल्यूशन कैसा है और डिसॉल्व कर सकता है, मतलब सॉल्यूशन अभी भी क्या है अनसैचुरेटेड है, मतलब एक कंडीशन अप्लाई हो गया, जब तक सॉल्यूशन मेरा सैचुरेटेड नहीं हो जाता तब तक तुम सॉल्युबल उसको सॉल्युबिलिटी उसका निकाल नहीं सकते। अगर सॉल्यूशन मेरा अनसैचुरेटेड फॉर्म है तो उसका सॉल्युबल क्या हो सकता है निकाल नहीं सकते, जैसे मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तब तुम क्या करोगे आराम से तुम क्या कर सकते हो उसका सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो, ओके क्लियर है। तो सॉल्युबिलिटी क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी हमको ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अगर कंडीशन सॉल्यूशन कैसा हो सैचुरेटेड हो एट पर्टिकुलर फिक्स्ड टेंपरेचर कांस्टेंट टेंपरेचर, ओके। तो चलो हम लोग डेफिनेशन के तौर पर आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन पर आगे बढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं क्या बोला गया, एट एनी टेंपरेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉलिड में किस है सॉलिड स्टेट में इन ग्राम, ग्राम में ध्यान रखना, which can dissolve in 100 gram of the liquid solvent to form the saturated solution form करता हो at that particular temperature, उसी temperature पर तुम उसको solubility check कर सकते हो, clear है, ये बात clear हुआ, चलो, अब हम लोग next point बात करते हैं, ठीक है, चलो solubility concept हो गया, तो देखा solubility का ये condition मैंने लिया, ठीक है, यही example है, ओके, ध्यान रखना, मगर यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा unsaturated form में लिया, मतलब कि unsaturated से saturated में मैंने किया, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दिख रहा है मेरा जो अनडिसॉल्व फॉर्म में बचा हुआ है, मतलब इस बात का प्रूफ हो रहा है सॉल्यूशन मेरा किस फॉर्म में हो गया सैचुरेटेड हो गया,
ओके अब बात करते हैं इसका यूनिट का। यूनिट क्या है? यूनिट के कांसेप्ट के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो तुम ही खुद बोलो कि मेरा यूनिट ऑफ सॉलिडिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हम लोग सॉलिडिटी देखे ना, किस केस पे देखे है? हम लोग सॉलिडिटी वेट बाय वेट के कंपेयर में देखे है। वेट मेरा किसका था? सॉलिड का बात किए थे, मास बात किए थे, मास के टर्म में बात किए थे। दूसरा बात करो तो हम क्या बोलेंगे, मेरा सॉलिडिटी किस टर्म में बात किए थे? 100 ग्राम में, मतलब वो भी वेट बाय वेट रेशियो में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अगर तुम परसेंटेज निकालना चाहोगे अगर देखो तो ये कुछ परसेंटेज ही है। अगर तुम सॉलिडिटी निकालो मींस क्या, मास बाय मास रेशियो का परसेंटेज है वो क्या। मान लो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम क्या किए थे यहाँ, देखो यहाँ पर क्या किए थे, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो, ये फॉर्मूला जो तुम देख रहे हो, ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो क्या है, ये तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया। 20 क्या था, 20 क्या था, मास ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर तुम सॉल्वेंट का अगर किसी भी सॉल्वेटी निकालना चाहते हो, ये तो मेरा सॉल्वेटी का फॉर्मूला है कि अगर 20 क्या था, मास ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व, तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व, ठीक है, इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल सॉल्वेंट का मास कितना था, 200 क्या था, 200 में था मेरे पास, 200 में था यहां पर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ध्यान क्या दिया, क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है। तो ध्यान रखना ये क्या है, मास है, ये भी मास है। तो हमने यहाँ पर सॉल्विटी का जो केस लिया ना, वो मास बाय मास के रेशियो के टर्म में लिया, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में लिया। तो कितना डिसॉल्व है मास सॉलिड का डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, तो ये क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो। तो देखो मास मेरा क्या है, ग्राम में होगा, ये भी मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, ग्राम में होगा। तो तुम क्या बोल सकते हो कि ये भी ग्राम बाय वेट के रेशियो में है, मतलब वेट वेट कैंसिल हो जाएगा, ये किस टर्म में आ जाएगा, यूनिटलेस। मगर जनरली अदर कंसेप्ट भी होता है, बहुत सारे सॉलिडिटी हो सकता है कि यहाँ तुम मास के टर्म में और वेट के टर्म में, हो सकता है मोल्स के टर्म में, तुम लोग क्या बोल सकते हो, तुम बोलोगे सर मास ऑफ सॉल्वेंट तो ठीक है, यहाँ 100 to 100 तुम छोड़ दो यहाँ पर, मतलब मोल्स कितना प्रेजेंट है वो भी तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, कि अमाउंट ऑफ द मोल्स, या तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट अगर बात करते हो, तो बात करो कि मेरे सॉलिड का मास तुमको पता है, ठीक है, कितना डिसॉल्व हुआ, ओके, साथ ही साथ तुमको मॉलिक्यूलर मास भी पता है। अगर मॉलिक्यूलर मास भी पता है तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास अगर करोगे तो क्या निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा, मोल्स सर आपने कहा, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेट को दिया हुआ रहेगा कितना डिसॉल्व। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वेट को मोल्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो। तुम जानते हो कि मेरा मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वेट कौन सा होगा, मोल्स ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व is equal to weight of the solid dissolved, weight कितना था 20, ठीक है, molecular weight, जिस solid के बारे में बात करेगा उसका molecular weight given में होगा, अगर नहीं है तो वो naming करके तुमको बोलेगा, मान लो glucose dissolve हो रहा है, मान लो मेरा ethanol dissolve हो रहा है, मान लो मेरा HCl dissolve हो रहा है, कोई भी अगर condition तुमको apply करते तो तुम उसका molecular weight जानते हो, तुम मोल से टर्म ले सकते हो। तो यहाँ पर तुम देखो mass of the solid dissolved, ये तो ठीक है, तो मास को कन्वर्ट कर लिया मोल्स में, मोल्स ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, अब डिपेंड करता है ये क्या होगा, 100 होगा, 100 के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना ये मेरा वॉल्यूम, ये मेरा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो, ये मेरा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। तुम जानते हो मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी, जो कि अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है, फिलहाल हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब ये बात बताओ मास और या मास के टर्म में हो सकता है, मोल्स और मास के टर्म में भी हो सकता है, हो सकता है मोल्स और वॉल्यूम के टर्म में भी हो सकता है, हो सकता है मास और वॉल्यूम के टर्म में भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि इस कंसेप्ट के बेसिस पर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी मेरे पास क्या सॉल्विटी के कंसेप्ट से तुमको पूछ सकता है, क्लियर है, ये बात क्लियर होगा। चलो तो ये तुम अच्छे से उतार लो, उतारने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या है चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करने जा रहे कि मेरे नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दो, टाइप ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिडिटी। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि सॉलिडिटी का कंसेप्ट है पार्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द फेज एंड द पार्टिकल्स, एंड देन अगर आगे बात करें क्या टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिडिटी, सॉलिडिटी के कंसेप्ट से तुम क्या देखोगे, सॉल्विटी के कंसेप्ट से तुम कैसे देखोगे। तो ध्यान रखना सॉल्विटी कंसेप्ट से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग तीन टाइप में हम लोग बात करेंगे सॉल्विटी कंसेप्ट से। एक जो है मेरे पास क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि अभी भी हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना
अगर हम यहाँ बात कर रहे सॉलिबिलिटी का, तो सॉलिबिलिटी कांसेप्ट से बोल सकते हो सर कौन सॉलिड होगा कौन सॉलिड नहीं होगा, मेरे पास ध्यान में डिसॉल्व होगा कौन डिसॉल्व नहीं होगा, कितने अमाउंट डिसॉल्व नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बात करें कि सॉल्यूशन रीच, अगर सॉलिबिलिटी केस से हम लोग बात कर सकते हैं कि कितने कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखना इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो मेरे पास क्या है, मेरे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा जो मेरे पास क्या होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा बात करेंगे मेरे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या मेरे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान रखना ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इन द पर्टिकुलर कंडीशन रखना क्या। चलो पहले बात करें क्या कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, अभी हम लोग बात किए, अगर मान लो किसी कंटेनर में अगर सॉल्वेंट है और तुम उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हो, और जब तक वो सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है तब तक हम सोचेंगे कि मेरा सॉल्वेंट जो है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आराम से सॉल्युबल हो रहा है, मतलब सॉलिड को डिसॉल्व करने के अलाउ कर रहा है कि आप डिसॉल्व कर सकते हो, मतलब सॉल्यूशन जब तक सॉल्युबल सॉलिड को डिसॉल्व करने में कैपेसिटी रखता है तब तक सॉल्यूशन क्या होता है, मेरा सिस्टम जो होगा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं। तो ध्यान रखना कि मतलब क्या हो गया, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर सॉल्यूट देन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इट कैन बी डिसॉल्व कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये कंडीशन ये है कि एक सॉल्वेंट ऐसा चाहिए जिसमें क्या हो, या एक सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड, अगर उसका कैपेसिटी उसका मान लो उसका सॉल्युबिलिटी अगर तुमको गिवन पता है, जैसे अभी भी हम लोग निकाले थे 20 ग्राम पर लीटर या पर ग्राम जो भी तुम निकालो पर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के बेसिस पर बोल सकते हो, अगर तुमको सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है तो तुम एक बात तो फिक्स कर लेते हो कि सर इससे ज्यादा इस टेंपरेचर पर वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर गिवन अभी एग्जांपल हम लोग लिए थे 20 ग्राम वो डिसॉल्व कर रहा था, जब वो 20 ग्राम डिसॉल्व कर रहा था तो तुम बताओ अब क्या 21 ग्राम अगर हम डालेंगे क्या वो डिसॉल्व कर सकता है, नहीं, 1 ग्राम जो होगा वो अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा और बाकी 20 ग्राम वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहेगा, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन लेगा। मतलब कि जब तक अगर मान लो 20 उसका कैपेसिटी दिया हुआ है, अगर तुम मान लो 20 ग्राम दिया हुआ है तुम 90 ग्राम या 70 ग्राम उससे लेस देन उसका कैपेसिटी है 20 ग्राम से ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, मगर अगर मान लो उससे कम 20 से कम अगर तुम सॉल्यूट डालते हो तो ध्यान रखना सॉल्यूशन अभी भी कैसा है, अनसैचुरेटेड है। मगर एक टाइम आएगा जब तुम डालते एक टाइम आएगा कि वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन अब क्या होगा, अमाउंट जिसका तुम्हारा कैपेसिटी था उससे अब ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो लिमिट एट 20 ग्राम कंसेप्ट जो अभी हम एग्जांपल लिए एंड 20 ग्राम पर जब तुम देख रहे हो किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो तो देख रहे हैं अब वो क्या हो गया 20 ग्राम से ज्यादा अब अलाउ नहीं कर रहा उस टेंपरेचर पर। टेंपरेचर ध्यान रखना, टेंपरेचर फिक्स रखना है, टेंपरेचर को अगर डिफरेंस करोगे तो सॉलिबिलिटी में भी डिफरेंस आ जाएगा। जिस टेंपरेचर में बात करते हो तो उस कंडीशन उस टेंपरेचर और उसका सॉल्यूबल के बारे में उसका सॉलिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान रखना। तो पहले बात करो अभी हम क्या बोले 20 ग्राम अगर तुम जैसे आगे डाले अब क्या हो रहा है 21 ग्राम डाले तो वो 21 ग्राम 1 ग्राम वो क्या होगा अनडिसॉल्व फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब हम बोले 20 ग्राम में वो क्या होगा वो सॉल्युबल हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन अब उस 20 ग्राम में सैचुरेटेड हो चुका है, ध्यान है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ क्या बोल रहे, क्लियर। तो चलो एक बात करते हैं सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, ये समझ में आ गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन एज मच सॉल्यूट एज इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर है, समझ में आया। चलो कंसेप्ट है बाबू, इसमें कंसेप्ट है अच्छे से, दोनों तो ये पढ़ के आए होगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये तो पढ़ के आए हो लास्ट ईयर एलएम में पढ़े हो, मगर अब ये बात है सुपर सैचुरेटेड। बहुत से बच्चे लोग को सुपर सैचुरेटेड का कंसेप्ट थोड़ा सा लूज रहता है, उनको समझ नहीं आता है अगर ये अनसैचुरेटेड है ये सैचुरेटेड है सुपर सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्या होता है उन लोगों को थोड़ा सा अफेक्टेड होता है कि ये मीनिंग क्या है इसका, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड का, ठीक है। और तुम कंसेप्ट के बेसिस पर तुम क्लास ज्वाइन भी किए हो वो कौन सा कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस, ये तुम क्लास में हो ये ध्यान रखना, जो इस क्लास में है वो अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके जाएगा। तो एक पॉइंट नोट करना कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जब तुम सैचुरेटेड अटेन कर लिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जब तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन अटेन हो चुका है, मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, अब उस टेम्परेचर पर मान लो लेट करते हैं यहाँ पर, मान लो कि मेरा एक कंटेनर है और इस कंटेनर पर अगर तुम मान लो सॉल्वेंट रखे हो, इस कंटेनर में तुमने क्या रखा सॉल्वेंट रखा, ओके ये सॉल्वेंट है, अब ये सॉल्वेंट किस फेज में होगा लिक्विड में, क्योंकि उसी के बारे में डिस्कस कर रहे, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है सॉल्वेंट, ओके अब यहाँ पर क्या डालोगे ऊपर से मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड डालोगे, मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड डालोगे तो तुम अमाउंट डाल दो सॉलिड को, ठीक है, ये किस स्टेट में होगा सॉलिड स्टेट में होगा, ओके और ये किस में होगा लिक्विड
स्टेट में होगा, ओके ये ध्यान रखना। अब तुम बात बताओ, अब हम ये बोल सकते हैं जैसे तुम सॉलिड डाले तो हम क्या देखें कि ये मैग्नेटिक, अब इसका कंडीशन दे दिए, इसका कंडीशन मैंने डाल दिया क्या, सॉलिड तुमको पता है 20 ग्राम ठीक है पर लीटर, मतलब एक लीटर में कितने ग्राम सॉल्युबल हो सकता है, 20 ग्राम सॉल्युबल हो सकता है। अब तुम बात बताओ जब ये कंडीशन डाल दिए, मगर एक और कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या होता है, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बात करते हैं, एट अगर बात करते हो 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये मैं बात कर लिया, 20 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर, एट 25 डिग्री या 27 ये जनरली माना जाता है। अब तुम बात बताओ 27 डिग्री सेल्सियस हमने रूम टेम्परेचर मान लिया, तो इस टेम्परेचर पर इसका सॉल्युबिलिटी कितना है, 20 ग्राम। तो अब ये बात बताओ, अब हम क्या कर रहे हैं, 20 ग्राम कितना एडिट, ये तो कंडीशन है ना, इस टेम्परेचर में इतना सॉल्युबल हो सकता है, ये तो कंडीशन है। अब तुम बात बताओ, अब इसमें हम डाल रहे कितना डाल रहे, चलो डालते हैं मान लो 10 ग्राम डाले, देखिए डिसॉल्व हो गया, 10 ग्राम डाले डिसॉल्व हो गया, फिर प्लस 10 ग्राम डाले, फिर देख रहे हैं डिसॉल्व हो गया। अब जैसे 5 ग्राम डाले वो क्या हो गया, अनडिसॉल्व फॉर्म में, यही तो मेरा क्या है, मतलब जब तक ये 10 ग्राम कर रहा था तब तक वो सोल्यूशन कैसा था, अनसैचुरेटेड था। अब जैसे 20 ग्राम अटेंड कर लिया तो हम क्या बोलेंगे, अब सर 27 डिग्री सेल्सियस में ये फिक्स है कि अब ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता, अब ये सीधा सा बात हम बोल सकते हैं कि ये 5 ग्राम अनडिसॉल्व फॉर्म में है, ओके मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड अटेंड कर लिया एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब तुम बात बताओ, तुम एक एग्जांपल हम लेट करते एग्जांपल को, एक तुम ध्यान रखना कि मान लो कि टेंपरेचर का क्या इफेक्ट है, ये तो हम डिस्कस करेंगे डीपली में, मगर अभी जो पॉइंट नोट करने वाला बात है, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। तुम देखे होगे बहुत सारे कंपाउंड या बहुत सारे सॉल्यूशन या बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तुम बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हो, तुम देखोगे जैसे मान लो एक गिलास में हम क्या लिए, एक वाटर लिए, वाटर में क्या लिए, शुगर डाल दिए, शुगर डालने के बाद हम डिसॉल्व कर दिए, देखे डिसॉल्व हो गया, फिर शुगर डाले एक चम्मच, देखे आधा चम्मच, एक चम्मच पूरे डाले, फिर तो क्या हुआ, देखे एक चम्मच में से आधा चम्मच शुगर क्या हुआ, वो स्पून में क्या हुआ, वो तो डिसॉल्व हो ही गया वाटर में, मगर आधा स्पून या हाफ स्पून जो देख रहे हो वो क्या हो रहा है, वो अनडिसॉल्व फॉर्म में वो कंटेनर के नीचे सेटल डाउन हो गया। तो तुम क्या बोले, सर आधा स्पून या हाफ स्पून वो चीनी क्या हुआ, अनडिसॉल्व फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो गया सर, अब शुगर मत डालिए। तो एक काम करना, क्या करना, थोड़ा सा उसको हीट कर दो, जैसे हीट कर दोगे, जैसे हीट करने के बाद टेम्परेचर राइज होगा, बॉन्ड का कंटेंट एनर्जी बढ़ेगा, उस बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ सॉल्युबल हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद तुम देखना कि जो मेरा अनसॉल्युबल पार्ट था वो सॉल्युबल हो चुका, मगर किस कंडीशन में, वो उस कंडीशन में टेम्परेचर तुमने राइज कर दिया। मान लो मैंने स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, तुमने उसको बढ़ा के 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब 27 डिग्री सेल्सियस में वो क्या 1/2 स्पून वो डिसॉल्व हो रहा था, मगर अब तुम बात करो हाफ स्पून डिसॉल्व किस टेम्परेचर में हो रहा है, वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रहा है। तो तुम क्या बोले, सर कि उस टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस पर वो हाफ स्पून भी जो अनडिसॉल्व फॉर्म में था वो भी डिसॉल्व हो गया, ठीक है, वो भी अनडिसॉल्व हो गया। तो अब तुम क्या बोलोगे, सर देखिए सर अब तुम क्या करो, टेम्परेचर फिर से घटाओ, जब टेम्परेचर फिर से घटा रहे हो तो 50 डिग्री सेल्सियस जो हो रहा है वो क्या हुआ था, वो उसका सॉल्युबिलिटी था 2 स्पून, जैसे मैंने फिर 20 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को डिक्रीज किया, जो हाफ स्पून डिसॉल्व था ना वो अनडिसॉल्व फॉर्म में फिर कंटेनर के अंदर सेटल डाउन के फॉर्म में हमको मिल गया। मतलब क्या हुआ, मैंने लिक्विड स्टेट से जो सॉल्युबल पार्ट था उसको फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो गया। क्रिस्टलाइज मतलब क्या हो गया, लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन, मतलब क्या, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ओके। तो ध्यान रखना मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा के जो सॉल्युबिलिटी चेंज कर दिया उस स्टेप को बताओ, अब हम क्या, मेरा कैपेसिटी कितना था, इसके एग्जांपल के तौर पर कैपेसिटी कितना था, 20 ग्राम, मैंने क्या किया टेम्परेचर राइज करके 20 ग्राम जो था उसका सॉल्युबिलिटी था अब उसको भी मैंने चेंज कर डाला, मतलब अब मेरा 50 डिग्री सेल्सियस पर मेरा 25 ग्राम सॉल्युबिलिटी पर लीटर के बेसिस पर हो गया। तो ध्यान रखना ऐसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्युबिलिटी वो क्या हो, वो एक्सीड कर जाए, वो बढ़ जाए डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। तो ध्यान रखना जब मेरा ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर मेरा सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम था, और साथ ही साथ अगर बात करते हो
50 डिग्री सेल्सियस पर मेरा सॉल्युबिलिटी कितना था, मेरा 25 ग्राम, मतलब 5 ग्राम जो अनडिजॉल्व वो भी सॉल्युबल हो गया, मतलब इस बात का प्रूफ है मैंने सॉल्युबिलिटी को चेंज कर डाला। और सॉल्युबिलिटी को चेंज करने का मतलब ये हो गया मैंने सॉल्यूशन को सैचुरेट से अनसैचुरेटेड हो गया, मतलब जितना कैपेसिटी था उसके कैपेसिटी को मैंने बढ़ा दिया, मतलब सैचुरेट सॉल्यूशन को मैंने सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? तो ध्यान रखना, चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोर सॉल्यूट देन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इट कैन डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप तुमको समझ में अच्छे से आ रहा है, क्लियर है, हर कंसेप्ट क्लियर है, ये बात को ध्यान रखना। चलो तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम लोग पहले इसको उतार लो अच्छे से, इसको उतार लो और साथ ही साथ हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।